कश्मीर में हिंदू पंडितों के पलायन का दर्द दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स की हर तरफ चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म पर राजनीति भी खूब जमकर हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म की तारीफ की, तो आज गृहमंत्री अमित शाह फिल्म की टीम से मुलाकात की। अमित शाह ने कश्मीर का सच दिखाने के लिए तारीफ की टीम की। हालांकि विपक्ष के कई नेता फिल्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात को कश्मीर फाइल्स अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पक्ष और विपक्ष लेकर जाने वाले हैं। आज कल जहां पीएम मोदी ने फिल्म की खूब तारीफ की थी, तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कश्मीर फाइल्स की टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, आज फिल्म कश्मीर फाइल्स की टीम के साथ मुलाकात की। अपने ही देश में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों के बलिदान, असहनीय पीड़ा और संघर्ष की सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने आई है, जो एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। ये फिल्म बनाने के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कल पीएम मोदी भी फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। देखिए, अखिलेश जी के साथ में जब वो सत्ता में रहे तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग उनसे जुड़े रहे, तो किसी ने रोका नहीं उनको लखीमपुर फाइल्स बनाए हैं। और उसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब पलायन होता था, वो भी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पलायन फाइल्स भी बनाए। अब ये तो चूँकि डबल इंजन की सरकार है, तो अपना कुछ भी बनवा दे और कर दे। देश को तोड़ने के लिए लोग मूवी बनवाते हैं, तो हम देश नहीं टूटने देंगे। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर बीजेपी को फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का मौका दिया है। कश्मीर फाइल देखने के बाद सच पूछिए तो मैं रात भर सोया भी नहीं। आज देश के हालात को ये कट्टरपंथी उसी ढंग से बर्बाद कर रहे हैं, और ये सोच की पहली पड़ाव देश के किन किन राज्यों पर पड़ेगा वो आपको समय बताएगा। लेकिन बंगाल पहला राज्य होगा जहां की शुरुआत। पंजाब की अब बात कर लेते हैं। पंजाब में बड़ी हार के बाद सोनिया गांधी ने सिद्धू से प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया है, लेकिन सिद्धू ने जिस ढंग से इस्तीफा दिया उस पर कई तरह की चर्चा गर्म है। एक चर्चा ये भी है कि क्या सिद्धू कांग्रेस से पलायन करने जा रहे। एक लाइन में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया, और इस इस्तीफे के साथ ये सवाल पूछा जाने लगा कि सिद्धू अब कांग्रेस में रहेंगे भी या नहीं। सिद्धू ने अपना इस्तीफा अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी में सीधा और साफ मतलब ये है, अध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, आदरणीय मैडम, मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दरअसल हार पर मंथन के बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पांचों चुनावी राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। यूपी और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्षों ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर कल ही इस्तीफा दिया, जबकि सिद्धू ने 15 घंटे का समय लिया। अब सिद्धू के इस्तीफे की चिट्ठी को लेकर चर्चा क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए इन दो चिट्ठियों को देखिए। पहली चिट्ठी सिद्धू की है, जबकि दूसरी चिट्ठी यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की। यूपी के अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी 10 लाइन में लिखी, जिसमें हार की नैतिक जिम्मेदारी तक का जिक्र किया गया है, जबकि सिद्धू की चिट्ठी में चुनाव को लेकर 10 शब्द भी नहीं है। ऐसा तब है जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव से ठीक पहले सिद्धू को कांग्रेस की कमान दी गई थी।
18 जुलाई 2021 को सिद्धू पंजाब अध्यक्ष बनाए गए थे। 28 सितंबर को उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन 14 अक्टूबर को उन्हें फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में न सिर्फ हारी बल्कि एक तरह से सूपड़ा ही साफ हो गया। चुनाव से पहले भी कांग्रेस का एक खेमा सिद्धू को पसंद नहीं कर रहा था, अब वो खेमा खुलकर पार्टी से निकालने की मांग कर रहा है। सिद्धू जी ने जो बातें कही उनका नुकसान हुआ और लोगों में एक गलत मैसेज गया, और मैं समझता हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बड़े लीडरशिप है उन्होंने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी पार्टी का नुकसान करने के लिए, तो इन लोगों को इनडिसिप्लिन के तहत पार्टी से बाहर होना चाहिए। सिद्धू का अब सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि सिद्धू को सियासत में भरोसेमंद नहीं माना जाता। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के घर में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ ही विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। अब पार्टी के कुछ नेता कपिल सिब्बल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के घर 23 असंतुष्ट नेताओं की बैठक चल रही है। इस बैठक में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा, मणिशंकर अय्यर, संदीप दीक्षित, परिणीत कौर और पीजे कुरियन मौजूद हैं, और सबका एक मत से यही मानना है कि भाई अब कुछ ना कुछ कांग्रेस को करना होगा। जिस तरीके से पूरी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उसी को लेकर ये G23 के कांग्रेसी नेताओं की बड़ी बैठक हुई आज। तो 5 राज्यों में करारी हार हो चुकी है कांग्रेस की, हाहाकार मचा हुआ है कांग्रेस के घर में। कांग्रेस के जो नेता हैं कपिल सिब्बल, वो गांधी परिवार पर आज हमला बोलते हुए सुनाई दिए। उन्होंने विरोध का झंडा गांधी परिवार के खिलाफ बुलंद कर दिया है। अब पार्टी के कुछ नेता कपिल सिब्बल पर चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में कपिल सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया है। सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव उस चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लाया गया, जिस चांदनी चौक से कपिल सिब्बल कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। आप इन हालात के अंदर कांग्रेस के साथ खड़े होने के साथ वर्कर का मनोबल बढ़ाने के बजाय आप उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें हमने रखी। कांग्रेस अध्यक्ष से हमने कहा है कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी है और डिसिप्लिनरी एक्शन जो हो सकता है वो अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। असल में 5 राज्यों में मिली हार के बाद सिब्बल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था, वक्त आ गया है कि गांधी परिवार नेतृत्व छोड़ दे और किसी दूसरे शख्स को मौका दे, उन्हें खुद ही हटना होगा क्योंकि उनकी बनाई हुई संस्था उन्हें कभी ये नहीं कहेगी कि उन्हें नेतृत्व से हटना चाहिए। कुछ लोग घर की कांग्रेस चाहते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से घर की कांग्रेस नहीं चाहता और मैं आखिरी सांस तक सबकी कांग्रेस के लिए लड़ता रहूंगा। इससे पहले भी कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस का एक खेमा गांधी परिवार से नेतृत्व छोड़ने की मांग करता रहा है। अब चुनावी हार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी कैंप में हार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े किए। केशव देव मौर्य ने यह कहकर भी गठबंधन को घेरा कि अखिलेश यादव पश्चिम में जाटों के भरोसे और पूरब में ओम प्रकाश राजभर के भरोसे रह गए, जिससे ये हार देखनी पड़ रही है। उधर जयंत चौधरी ने आरएलडी की सभी यूनिट्स को भंग कर दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने हार के बाद लोकसभा में पार्टी संसदीय दल का नेता बदल दिया है, तो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से इस्तीफा ले लिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले ही कार्यकाल में कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। बीता चुनाव भी बीजेपी ने इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़कर जीता, और अब विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही फिजा में उसके असर की लहर भी दिखाई देने लगी है।
थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानून का डर इतना कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए हुए थाने पहुंच रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है, गोली मत मारो, हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना है। सत्ता का संचालन करते थे, ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। अंतर्राज्यीय चैन स्नेचर है, करीब 20 घटनाएं कई थानों में इनके द्वारा कारित की गई हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ, और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए, आप सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। जान बचाने का खौफ कहिए, अपराधियों के मन में सरकार के नाम की दहशत कह लीजिए, या फिर यूपी में कानून का कसा हुआ पंजा मान लीजिए, जो भी है यूपी की सियासी पिक्चर की हकीकत फिलहाल यही है। जो कानून को तोड़े वो गलत, और जो कानून की माने वो ही सही है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे, उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया या अपराधी, पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ यूपी की जिस नई तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, उसी की मिसाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। ये गोंडा के छपिया थाने की तस्वीर है, जहां अपराध के मामले में वांटेड अपराधी गौतम सिंह हाथ में तख्ती लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं, और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए, आप सपोर्ट कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। गौतम सिंह पर गल्ला व्यापारी के अपहरण का आरोप है, और वो अपने इस गुनाह का कबूलनामा भी कर रहा है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहां से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम थे। तो तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुनके सर, कप्तान साहब गोली मार देंगे। डर इस बात का था कि सरेंडर नहीं किया तो गोली मार दी जाएगी, और ये डर पूरे यूपी में आग की तरह क्यों फैला है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहने एक शख्स को दो पुलिस वाले सहारे से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहारा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसके पैर से खून निकल रहा है, और खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि पुलिस की मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी। दावा भी ऐसा ही है कि योगी राज में अपराधी कराह उठेंगे और अपराध को दौड़ने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। द
दरअसल गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश कमर उर्फ कल्लू के साथ मुठभेड़ के बाद ये तस्वीरें सामने आईं। पुलिस के मुताबिक बदमाश कल्लू हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका है। कमल उर्फ कल्लू जो अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर है, इसको इंदिरापुरम पुलिस ने इसके साथी के साथ पकड़ा था। पूछताछ में इसने अपने एक और साथी का नाम बताया था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ जा रहा था। इंदिरापुरम क्षेत्र में ही 5-6 की पुलिया के बीच में किसी बहाने से ये नीचे उतरा और सिपाही की रिवाल्वर लेके भागने का प्रयास किया और जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। 2022 की चुनावी रैलियों में भी योगी आदित्यनाथ ये बताना बिल्कुल नहीं भूले थे कि बीजेपी सत्ता में वापस आई तो जो अपराधी दहशत की दुकान चलाते थे वो योगी राज में थर थर कांपते हैं। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। जो अपराधी खोप और दहशत का एक माहौल बनाते थे, आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। और देखिए यूपी विधानसभा के चुनाव नतीजे आते ही यूपी के सहारनपुर से क्या तस्वीरें आई है। तस्वीर में चार लोग हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं, बीच में एक महिला है। दरअसल ये चारों भाई हैं और महिला इनकी माँ है। चारों भाई शराब की तस्करी का धंधा कर रहे थे। सोमवार दोपहर को चारों भाइयों ने अपराध और शराब के धंधे से तौबा की और माफी मांगते हुए कहा कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालेंगे। तस्वीरों में जो होता दिखाई दे रहा है उसी बात को गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में दोहरा रहे थे और आंकड़ों के दम पर दोहरा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले गए। 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। अमित शाह ने कहा था कि वो डेटा लेकर आए हैं, इसलिए डेटा से ही समझते हैं कि वाकई यूपी में अपराध कम हुआ है, इसे क्राइम रेट से समझते हैं। क्राइम रेट यानी 1 लाख की आबादी पर कितना अपराध हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2016 में यूपी में हत्या का क्राइम रेट 2.2 था, जो 4 साल बाद 2020 में घटकर 1.7 हो गया, यानी हत्या के मामलों में 23% की कमी आ गई। ठीक इसी तरह 2016 में यूपी में बलात्कार का क्राइम रेट 4.6% था, जो 4 साल बाद साल 2020 में घटकर 2.5% हो गया, यानी 4 साल में बलात्कार की घटनाओं में करीब 40% की कमी आई है। जबकि 2016 में अपहरण का क्राइम रेट 7.3 है, जबकि 4 साल बाद 2020 में ये घटकर 5.6 हो गया, यानी योगी राज में अपहरण के मामलों में 23% की कमी आई है। योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो, वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये बातें यूं ही नहीं कही गई थी, गुंडों में फैली दहशत के दावे यूं ही नहीं हुए थे। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर शामली के कैराना की तस्वीर है। तारीख थी 23 सितंबर 2021, जब दो बदमाश थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे। योगी सरकार वन हो या फिर योगी राज 2, तस्वीरों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। ताजा तस्वीर
सहारनपुर के चिलखाना थाने से आई है, जहां संगीन मामलों में जेल में जा चुके हिस्ट्री शीटर थानों में लाइन लगाकर हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये तस्वीर कितनी आदर्श है कि अपराधी थाने आकर हाजिरी लगवाएं और फिर कभी अपराध ना करने की कसम भी खाएं। और अभी तो योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ नहीं ली है, यानी एक्शन शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही अपराधियों की हवा टाइट है। लेकिन सरकार के गठन की क्या तैयारियां हो रही हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। शाम करीब 4 बजे की ये तस्वीर है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। योगी के पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं की मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ केंद्रीय नेता भी मौजूद रहे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज की इस बैठक में राज्य सरकार के गठन से लेकर राज्य में होने वाले एमएलसी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। जानकारी ये भी है कि मंत्रियों के नाम से लेकर शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मेहमानों के नाम पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि केंद्र और राज्य में सभी वो सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं जो फैसला ले सकते हैं। होली के अगले दिन 19 तारीख की शाम तक गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक लखनऊ जाने वाले हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि 19 मार्च ही वो तारीख है जब 2017 में योगी ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। उस शपथ ग्रहण का कार्यक्रम स्मृति उपवन में हुआ था, जबकि इस बार लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शपथ की तैयारी हो रही है। बिल्कुल बाईं तरफ आप जो जगह देख रहे हैं जहां मिट्टी की खुदाई हो रही है, यहां भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कल शाम से शुरू हुआ है। और इस जगह पर जब मुख्यमंत्री शपथ लेने आएंगे तब एक भव्य आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग बुलाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि पूरे 403 विधानसभा सीटों से जो अलग अलग गेस्ट हैं उनको बुलाया जाएगा। साथ ही जो विशिष्ट अतिथि हैं, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सारे सदस्य होंगे। इकाना स्टेडियम को इसलिए चुना गया ताकि शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी हो सके। भव्य इसलिए क्योंकि 37 साल बाद प्रदेश में कोई सरकार लगातार दूसरी बार बनने जा रही है। इकाना स्टेडियम में 1,00,000 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 1,000 चार पहिया और 5,000 दो पहिया गाड़ी यहां पार्क की जा सकती है। स्टेडियम के कैंपस में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया जा सकता है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के दिन लखनऊ के साथ ही राज्य भर के जिला मुख्यालयों में बड़ी सी एलईडी लगाई जाएगी, ताकि हर जिला मुख्यालय पर लोग शपथ ग्रहण लाइव देख सकें। माना ये भी जा रहा है कि योगी के साथ 57 लोग मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में जातीय गणित के साथ ही अनुभव को भी तरजीह देने की तैयारी है। इस चुनाव में बीजेपी को उन जातियों के भी अच्छे खासे वोट हासिल हुए जो दूसरे दलों के परंपरागत वोटर माने जाते थे। बीजेपी उन वोटरों को साधे रखने के लिए मंत्रिमंडल का नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। मंत्रिमंडल में जिन नए नामों को लेकर चर्चा है, उसमें आगरा ग्रामीण से जीती बेबी रानी मौर्य, पूर्व आईपीएस असीम अरुण, पूर्व ब्यूरोक्रेट राजेश्वर सिंह, बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह, नोएडा से विधायक पंकज सिंह का नाम शामिल है। दरअसल माना जा रहा है कि 2022 में मंत्रिमंडल का स्वरूप ऐसा हो कि बड़ी आसानी से 2024 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के लिए दिल्ली में महामंथन चल रहा है। करीब 3.5 घंटे से बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।